जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर। और आज हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे कि इस एक्सप्रेसवे में इस वक्त क्या चल रहा है और एनएचआई की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, और जिन किसान भाइयों की जमीन इसके अंतर्गत आ रही है वो किसान भाई क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये दो पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एनएचआई की प्रक्रिया को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि एनएचआई की तरफ से जितने भी बिल बोल सकते हैं हम इनको, या इस योजनाओं के अंतर्गत आने वाली जो भी पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी हो या अन्य मंजूरी हो, वो सारी की सारी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और एनएचआई की तरफ से वो सारी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। और जो किसानों की जो फाइलें हैं उनको तैयार कर और किसानों के खातों में पैसे के ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है सभी जिलों के अधिकारी वो जल्द शुरू करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है 2022 का। तो इस एक्सप्रेसवे को जनवरी के माह तक सभी किसान भाइयों का जो जमीन है वो अधिग्रहण कर उसका पैसा किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अब हम बात करते हैं किसानों को लेकर पॉइंट टू। किसान एक सर्किल लेटो को लेकर अड़े हुए हैं सरकार से, एनएचआई के अधिकारियों से। एनएचआई तैयार है बैनामा करने के लिए, लेकिन किसान अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ किसान तो एग्री है जो अपना बैनामा कराकर पैसा उठाना चाहते हैं, और कुछ किसानों ने एक अपना संगठन तैयार कर जो किसान संघर्ष समिति के बनाई है इस एक्सप्रेसवे को लेकर। और किसानों का कहना है कि हम सर्किलेट जो लेंगे 2021 का सर्किलेट हमें चाहिए, जो सर्किलेट काफी पुराना के अंतर्गत गवर्नमेंट सर्किलेट का 4 गुना दे रही है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर आज 12 दिसंबर है, और इस पंचायत को जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनसे भी इस पे चर्चा की गई किसानों की, और उन्होंने भी आज मुद्दों को उठाया है कि सरकार को सर्किलेट 2021 के अंतर्गत देना चाहिए, और जो किसान है वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को और प्लस एनएचआई को इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2022 जनवरी के माह में प्रारंभ करना है। तो वो किसानों को कंटिन्यू बैनामा करने के लिए राजी कर रही है, और अन्य प्रकार की मीटिंग कर किसानों को समझाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं किसान संघर्ष समिति इसमें क्या कर पाती है, क्या 2021 के रेट मिलेंगे या ओल्ड रेट पे ही बैनामा किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत